नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी में पकड़े गए डॉक्टर ने दमोह से बनवाई थी एमबीबीएस की फर्जी डिग्री, मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। जबलपुर एसटीएफ की जांच में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की परत दर परत खुलती जा रही है। शहर के निजी अस्पतालों में डॉक्टर बनकर मरीजों की जांच करने वाले झोला छाप निकले। आरोपी 5000 रुपए में डिग्री खरीद कर डॉक्टर बने थे। एसटीएफ ने फर्जी डिग्री बनाने वाले मास्टरमाइंड को दमोह से दबोच लिया है। आरोपी के पास से 2 प्रिंटर, लैपटॉप और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। एसटीएफ रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 20 अप्रैल को 5 आरोपियों राहुल उर्फ अरुण विश्वकर्मा, राकेश मालवीय, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ठाकुर, डॉक्टर नीरज साहू, सुधीर सोनी को गिरफ्तार किया था। वहीं नरेंद्र ठाकुर सहित उनके साथियों को बीते दिनों ओमती पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा था। एसटीएफ को जांच के दौरान आशीष हॉस्पिटल में कार्यरत आरएमओ डॉक्टर नीरज साहू की डिग्री संदिग्ध लगी। इसके बाद उसकी डिग्री का सत्यापन कराने के लिए संबंधित एमईएच कॉलेज को भेज दिया गया। वहां से बताया गया कि डिग्री फर्जी है। नीरज साहू ने कभी कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं की। एसटीएफ ने इस खुलासे के बाद नीरज के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा का अलग अलग मामला दर्ज किया है। हम दिखाते रहे लगातार खबरें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।